आप देखते हैं कि एक ही चपाती है और आप और दूसरा एक व्यक्ति दो लोग हैं, आप बोलोगे ठीक है तो भगवान का बच्चा है, चपाती इसको खिला दो। तो जब ऐसा आप दूसरों के लिए करेंगे, क्योंकि आप दूसरों से द्वेष नहीं करते तो दूसरे भी आपसे द्वेष नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 4-5 अलग अलग शब्द दिए भगवान ने। योग युक्तो फिर विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते, सब फ्लो में है। योग युक्तो का मतलब, योग मतलब जब भी भगवद गीता में योग है, भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो योग युक्तो जो भक्ति से युक्त है, कुर्वन अपि न लिप्यते, वो कभी बंधन में नहीं फंसता। हमने कुछ श्लोकों पहले बताया, बंधन में वही फंसता है जो भोगने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, जो सोचता है ये संसार मेरा है, न मेरा कोई संबंध है भगवान से, न संसार का कोई संबंध है भगवान से, और इसको मैं हड़प लूंगा और भोगूंगा, वह बंधन में पड़ता है। जो भक्ति करता है, भक्ति का मतलब ही है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, वो किसी भी सभी उपाधियों को छोड़ देता है और भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाता है। जब वह समझ गया है कि पूरा संसार भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, तो मैं भगवान की सेवा करूं और इस पूरे संसार को, और या तो जो फैसिलिटी मेरे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाऊं, तो फिर क्यों बंधन पड़ेगा? इसको तो बंधन होगा ही नहीं, ये तो मुक्त है, तो जीवन मुक्त है। अब जब योग युक्त हो, जब भक्ति से युक्त हो जाता है तो बंधन में नहीं पड़ता। सर्व भूतात्मा भूतात्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी जीवों को वो प्रिय हो जाता है और उससे सारे जीव प्रिय हो जाते हैं। देखिए, संसार में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष क्यों होता है? क्योंकि कंपटीशन होती है। देखिए, एक जॉब मान लीजिए, प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है, उसके लिए इतने सारे कॉन्टेस्टेंट होते हैं। MLA की एक पोस्ट है, उसके लिए इतने सारे कॉन्टेस्टेंट होते हैं। तो जब एक रिसोर्स है, उसके लिए बहुत लोग हैं, तो वहाँ क्या होगा? झगड़ा होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। लेकिन अगर मुझे किसी से मतलब ही नहीं है संसार में, मुझे सिर्फ कृष्ण से मतलब है, कृष्ण की सेवा से मतलब है, ये सारा संसार भी कृष्ण का है, सारे जीव भी कृष्ण के, सभी कृष्ण के हैं। एक वृक्ष है, कृष्ण जड़ है, और अलग अलग फूल हैं, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, ये सब अलग अलग जीव हैं, तो सब कृष्ण के हैं। तो मैं सबको कैसे देखूंगा? ये सब कृष्ण के हैं। तो जब मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं तो सबों से प्रेम करूंगा, सबों से प्रेम करूंगा तो किसके लिए मेरे हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, नफरत नहीं रहेगी, और फिर मैं कार्य भी वैसा करूंगा। फिर सैक्रिफाइस, त्याग, वैराग्य भाव आता है। आप देखते हैं कि एक ही चपाती है और आप और दूसरा एक व्यक्ति दो लोग हैं, आप बोलोगे ठीक है तो भगवान का बच्चा है, चपाती इसको खिला दो। तो जब ऐसा आप दूसरों के लिए करेंगे, क्योंकि आप दूसरों से द्वेष नहीं करते तो दूसरे भी आपसे द्वेष नहीं करेंगे। कैसे साधु जंगल में जाके तपस्या करता था, कितने सारे अलग अलग छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जहरीले कीड़े होते हैं, सांप होते हैं, उनको तकलीफ क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके हृदय में अगर तकलीफ देने का भाव नहीं होगा तो पशु भी तकलीफ नहीं देंगे। कुछ ऐसे पशु होते हैं जो बिना द्वेष के भी, आपके हृदय में नहीं भी द्वेष होगा तो भी आपसे द्वेष करेंगे, तो इसको भी सह लेना चाहिए। ऐसे भी कुछ मनुष्य आपको मिलेंगे। तो जब ज्यादातर जीवात्मा देखेंगे कि आप उनसे द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं रखते, आपसे कॉम्पिटिशन नहीं है, है ना, ये तो साधु है, इससे कोई हमारा कॉम्पिटिशन नहीं, तो वो भी आपको अच्छे से सम्मान देंगे, आपसे प्रेम करेंगे, तो सर्वभूत आत्मा। जब ये होगा तो भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरों से प्रेम भी कर रहे हैं, भगवान से और भगवान के भक्तों से भी। विशुद्ध आत्मा, आपकी आत्मा कैसे हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो विजित आत्मा जितेंद्रिय, जब आत्मा शुद्ध होगी और भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में है, तो मन जो है वो कहाँ जाएगा?
मन तो फोकस हो जाएगा ना भगवान की भक्ति में। विजित आत्मा, वो अपने मन को जीत चुका है क्योंकि उसका मन भगवान की सेवा में लग गया है। जब मन लग गया तो मन के 10 सेवक या नौकर या दास होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो इंद्रियां भी अपने आप वश में हो जाएंगी। कई बार आप देखते हैं, आप सबके जीवन में ऐसा होता है कि सब लोग बैठे बात कर रहे, सडनली आप खो जाते हैं, कुछ देखते हुए सडनली आप खो जाते हैं, देख रहे हैं कुछ लेकिन वहां पे आंखें देख नहीं रही हैं, आप खो गए हैं। तो मन कहीं चला गया तो आंखें देख के भी नहीं देख रही हैं, आंखें देख रही हैं लेकिन नहीं देख रही हैं, क्योंकि आंखें मन की गुलाम है। तो ऐसे जिसका मन भगवान में लग गया वो सब जगह क्या देखेगा, भगवान को देखेगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव हृदयेषु, जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आंखों में प्रेमांजन है, अंजन लगाते हैं ना काजल, वो प्रेम का अंजन लगाया है सब जगह। वो भगवान से और भगवान की सृष्टि से, सभी जीवों से, जो भगवान के अंश है सबसे वो सिर्फ प्रेम करता है। तो यत्र तत्र सर्वत्र वो क्या देखता है, भगवान को देखता है, फिर आनंद में रहता है। वो भौतिक क्रियाएं करते हुए भी फंसता नहीं है, इसको आगे के 3-4 श्लोकों में भगवान और विस्तार से समझाएंगे। हरे कृष्ण।